वाला भात बनाने के लिए नोट कीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। देसी बेली भात बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप उबले चावल, 1 कप उबली अरहर दाल, 1 कप कटी गाजर, ड्रमस्टिक्स और बीन्स, 2 छोटी चम्मच मूंगफली, 3 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप कसा नारियल, 2 हरी मिर्च लंबी कटी, 3 बड़ी चम्मच इमली का पेस्ट, 1 छोटी चम्मच सरसों, 6-8 करी पत्ते, 1/2 कप कटा प्याज, 1/2 कप कटा टमाटर, 3-4 छोटी चम्मच तेल, 2 छोटी चम्मच हरा धनिया और नमक स्वाद अनुसार। शुरू करें शेफ। हाँ जी। पहले तेल डालना पड़ेगा। पहले ये अरहर दाल उबाल के रखना पड़ेगा। बड़ा होता है ये तुअर दाल, अरहर की दाल, इसे बॉईल करना है। हाँ जी, बॉईल करके अच्छा। रखना पड़ेगा। तो सिंपल पानी में या कुछ नमक या कुछ और डाल के? सब थोड़ा हल्दी और नमक डालना पड़ेगा, साल्ट डालना। हल्दी और नमक डाल के पहले बॉईल करना होगा। तो बॉईल करी हुई पड़ी आपके पास? हाँ जी। हाँ, एक मिनट। ये बॉईल करी हुई दाल है। हाँ जी। और चावल भी आपने बॉईल करे हुए रखे? हाँ जी, हाँ रखा हुआ। तो चावल नॉर्मल प्लेन पानी में बॉईल करना है, कुछ नहीं डालना? कुछ नहीं डालना। तो ये दो चीज़ें हम रेडी रखें जब हम रेसिपी शुरू करने वाले हैं, यानी दाल को उबाल के रखना है और चावल पका के रखना। ठीक है, चावल और दाल को पका के। हाँ जी। उसके बाद गर्म होने के बाद हल्का सा जीरा डालना पड़ेगा। फ्राई होने के बाद मूंगफली डालना पड़ेगा। ये मूंगफली, अच्छा कच्ची मूंगफली? हाँ जी, कच्चा मूंगफली डालना पड़ेगा। उसके बाद हरी मिर्ची, उसके बाद करी पत्ता डालना है। उसके बाद सब्जी डालना। सब डाल के इसमें गाजर है, बीन्स है। उसके बाद प्याज डालना पड़ेगा। प्याज बाद में डालना। अच्छा, प्याज हमेशा पहले डालते हैं? हाँ, पहले भी डाल सकते, इसके साथ ही डाल सकता, दोनों एक ही साथ फ्राई हो जाता। ये दोनों एक ही साथ फ्राई हो जाता। फ्राई होने के बाद फिर टमाटर डालना पड़ेगा। इसके एक टाइम में थोड़ा ढक्कन डाल के रखना पड़ेगा। तो इसे आपने ढका, मतलब अच्छे से पक जाएगा? हाँ जी, थोड़ा पक जाता है। उसके बाद कोई नमक मिर्च कुछ? उसके बाद टमाटर डालने के बाद डालना पड़ेगा। उसके बाद मसाले? हाँ जी, ये पक गए हैं। पकने के बाद टमाटर डालना पड़ेगा। टमाटर डालने के बाद उसके कितना ज़रूरत है इतना नमक साल्ट डालना पड़ेगा। नमक डालना पड़ेगा। उसके बाद अच्छी तरह फ्राई करना पड़ेगा। तो इसमें पानी नहीं डालेगा? हाँ जी, पानी डालना पड़ेगा। वो दाल के साथ है ना पानी? अच्छा, उसमें ये कल हो जाता है। सब्जी पकाने के लिए पानी नहीं? पानी डाल, ऐसे जरूरत हो तो थोड़ा हल्का सा डाल सकते, नहीं डालने से भी चलता है। उसके बाद मसाला डालना पड़ेगा। हल्दिया आधा, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, उसके बाद नारियल डालना पड़ता है। ग्रेटेड नारियल? हाँ जी। ये दाल डालना पड़े उबाल के रखें। उसके बाद हल्का सा पानी डालना पड़े। ये अच्छा उबालने के बाद राइस डालना पड़े। अब बस चावल डालना है? हाँ जी। तो ये अपने आप में एक पूरा मील है। हाँ जी, इसमें चावल भी है, दाल भी है, सब्जियाँ सब है। हाँ जी। और इसे खाते किसके साथ है? हाँ जी, इसमें चटनी के साथ, नारियल का को चटनी के साथ खाता, और पापड़ के साथ। रेडी है? हाँ जी।
से गार्निश कर रहे हैं। तो ये बिसी भेला भात भी तैयार है और मेरे लंच का तो इंतजाम हो गया। तो जब तक मैं इसे अपना पेट भरती हूँ, आप देखिए कि ये आपकी जेब कितनी खाली करेगा।